दिस इज डुप्लेक्स हाउस प्लान। तो इसमें हम जो डुप्लेक्स का जो प्लान है, प्लान यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। पहले जो है 253 यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओपन रहेगा, यहाँ पर एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे 7 फीट और 6 इंच। यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड करेंगे 7 फीट और 3 फीट, और इधर एक डोर प्रोवाइड करेंगे जो है 2 फीट और 7 फीट। ठीक है, तो चलिए इस डोर का जो पार्ट है यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो विंडो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे जो हमें चाहिए 4 फीट 6 इंच यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर हमें इस पोजीशन पर एक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है फ्रंट से, देखिए। तो उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ और भी विंडो चाहिए जो है इस बेडरूम का, या एक रूम है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम एक विंडो के साथ यहाँ पर जो है स्टेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो उसका भी पार्ट हम यहाँ पर शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इधर भी विंडो हम प्रोवाइड कर सकते जो है 7 फीट और यहाँ पर 6 इंच। तो सिंपल सा पार्ट है यहाँ पर, हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो जगह है हम यहाँ पर स्टेयर के लिए प्रोवाइड करेंगे। चलिए इसको करते हैं अभी। देखिए यहाँ पर हमने स्टेयर का पार्ट भी जहाँ पर होना चाहिए हम इधर से स्टेयर ऊपर में जाने के लिए तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका जो फर्स्ट पार्ट हो गया है सेकेंड पार्ट भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए इसका जो फ्रंट एलिवेशन है यहाँ पर हमने रखा है एक बैल्कनी। तो यहाँ पर जो है देखिए एक डोर, यहाँ पर एक विंडो, जो बैल्कनी है ऊपर से, यहाँ पर 3 बीम हमने प्रोवाइड किया है जो बीम के ऊपर आपका बैल्कनी रहेगा। ओके, यहाँ पर भी हमने सेम बीम यहाँ पर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो है टॉयलेट का पोजीशन है, इसलिए इस टाइप का वेंटिलेटर दिखा है। यहाँ पर विंडो, यहाँ पर भी विंडो हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए उसको हम विंडो प्रोवाइड करते हैं इस जगह पर, और इसको हम फिल करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो देखिए विंडो है यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। यहाँ पर चार्जर हमने इस टाइप का रखा है सिंपल सा, क्योंकि साइड में जगह कम है इसलिए। तो आपका जो प्लानिंग है, प्लान का वाइज यहाँ पर जो है 20x24 का हाउस प्लानिंग है। तो इसमें हम जो पैरापेट वॉल भी यहाँ पर रखा है, चलिए इसको हम कुछ रेलिंग प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। ओके, देखिए यहाँ पर फाइनल जो रेलिंग है, देखिए यहाँ पर इस टाइप का रेलिंग हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, और ऊपर में भी देखिए रूफ टॉप में भी यहाँ पर हमने जो रेलिंग है ऐसे प्रोवाइड किया है यहाँ पर। ठीक है, इधर रेलिंग प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर एक रेलिंग मिसिंग है, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद देखिए रूफ में यहाँ पर एक डोर हमने प्रोवाइड किया है, जो डोर अंदर की तरफ ओपन हो जाएगा। तो रूफ टॉप में आने के लिए इस डोर को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका टॉप से तो इस टाइप का दिखाई देगा, फ्रंट से आइसोमेट्रिक जो, पीछे से, बैक साइड से, देखिए सभी साइड से इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर का पार्ट और एक बार हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए अंदर का पार्ट देखिए, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देखिए और एक फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद देखिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे धीरे 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 आप ऐसे इसको देख सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद देखिए आप इसको जो है इस फ्लोर, इसके नीचे और एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों फ्लोर है इधर। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर कुछ फर्नीचर हम ऐड करते हैं जो है बेड के नीचे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर किचन, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर आपका
बेडरूम, यहाँ पर स्टेयर इधर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका किचन का पार्ट, तो एक बार ओपन किचन है घर के अंदर आने के बाद। तो उसके बाद जो देखिए यहाँ पर, इसके बाद जो ऊपर का फ्लोर है, देखिए ऊपर फ्लोर में भी सेम आएगा, ठीक है, इधर सेम ही आएगा, जो ऊपर इतना तक ऐसे जाएगा, ओके। तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा प्लानिंग के साथ। तो इसका डिटेलिंग जो है, इसका मेजरमेंट आप देखिए क्या क्या है, इसका मेजरमेंट देखिए यहाँ पर एक बार देखिए ध्यान से, 24 फीट, ओके, और 20 फीट, 20 फीट बाय 24 फीट का यहाँ पर हाउस प्लान है, जो है डुप्लेक्स हाउस प्लान। इसका अंदर का जो घर है, इसका जो मेजरमेंट हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे इसका मेजरमेंट। तो चलिए हम टॉप से और एक बार इसको ऐसे देखते हैं, एक बार देख के आपको हम मेजरमेंट यहाँ पर शेयर करेंगे। तो टॉप से देखिए यहाँ पर जो आपका अच्छे से दिखाई देगा, जो बेडरूम है 12 फीट और 10 फीट, टॉयलेट 8 फीट 9 इंच, टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पर 5 फीट। इसका जो लेंथ है यहाँ पर 13 फीट 9 इंच, देखिए काफ़ी बड़ा साइज है इसका। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 12 फीट 9 इंच। और यहाँ पर जो स्टेयर का जो पार्ट है, यहाँ पर आपको जो स्टेयर का पार्ट देखिए 6 फीट 9 इंच, आपको स्टेयर का पार्ट यहाँ पर मिलेगा 6 फीट 9 इंच, ओके, यहाँ पर देखिए 6 फीट 9 इंच। तो काफ़ी जगह ज़्यादा है इसमें। तो आपको बेडरूम, किचन, टॉयलेट, ओपन किचन, टॉयलेट, डाइनिंग और स्टेयर रूम का जगह का जो डिटेल्स ये आपको मिल गया है। तो ये इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा और कितना स्क्वायर फीट है, देखिए इस बिल्डिंग का 480 स्क्वायर फीट, 12 लाख रुपीस का खर्चा आएगा 480 स्क्वायर फीट के अंदर। तो इसमें कुछ हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने रोड और इसका जो ग्रास का पार्ट है यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो उसके बाद और भी कुछ हम ऐड करेंगे, इसका बैकग्राउंड देखिए फाइनल, इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो लाइटिंग फिटिंग हम बाद में करेंगे, इसमें देखिए इसमें कुछ और भी कुछ हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो चलिए उसको ऐड कर देते, देखिए ऐसे दिखाई देगा। तो 480 स्क्वायर फीट के अंदर 12 लाख के अंदर आपका जो डुप्लेक्स हाउस प्लान है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हमने हम इसको और भी लुक चेंज करते हैं, कुछ प्लांटेशन यहाँ पर ऐड करते हैं। देखिए फाइनल एलिवेशन यहाँ पर है, कुछ प्लांटेशन यहाँ पर हमने रखा है। यहाँ पर देखिए दो आदमी खड़ा है इसके अंदर, घर के अंदर, और ऊपर में एक आदमी खड़ा है, इसमें हमने ऐसे रखा है, ठीक है। तो इसमें रहने के भी जगह है, जो इसका बीम आपने देखा है। तो इसमें यही था फाइनल प्लान, फाइनल डिज़ाइन। तो वीडियो 3D अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और इसमें कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।